let n is equal to 16 times of 9 minus 8 times of 5 upon 9 into 7 times of 0, 4 is equal to. तो अगेन अगर मैं देखूंगा 16 times of 9 में से 8 times of 5 माइनस करने पे हमारे पास में जो नंबर आता है ऊपर वो क्या आता है, सी 8 टाइम्स तो हमारे पास में सिंपली 9 रहता है, 9 9 9 9 9 9 9 9, ये हो गया 8 टाइम्स 9. अब बचे हुए 9 में से 5 माइनस हो जाता है तो आ जाता है 4 4 4 4 4 4 4, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसे हमें डिवाइड करना है 9 0 0 0 0 0 0 0 7 times 0 and 4. अब अगर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ जानी चाहिए, 4 की टेबल में 4 तभी आता है जब क्या होता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. एक चीज़ अगर हमें ध्यान से देखूं, मैं कुछ समझाने का ट्राई कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा, 9 0 0 0 0 0 0 4. अब क्या कर रहा हूँ, मैं इस 9 को एक टर्म आगे बढ़ा देता हूँ, पैटर्न दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, 9 0 0 0 0 0 0 4. यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, मैंने बोला लेट से कि जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब ऐसा आता होगा. फिर से क्या करता हूँ, एक और बार टर्म को आगे बढ़ाता हूँ, तो 9 0 0 0 0 0 0 4. ऐसे ही करते करते क्या होगा, लास्ट टर्म मेरी इस तरीके से लिखूंगा, जब इस वाले जीरो के नीचे यह 4 आ गया और ये पूरा क्रॉस है, और आगे क्या आ जाएगा मेरे पास में 7 जीरो होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 0 एंड देन 9. अब इन सबको अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, सम करने पे आएगा हमारे पास में कितना, यहाँ से हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9. अब इसके बाद क्या होगा, 4 आएगा, कितने बार 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 4 आएगा, 4 4 4 4 4 4 4. और अगर मैं इनडायरेक्टली देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं 9 7 टाइम्स 0 इंटू 4 को कितने टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं देखूंगा तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये आता है 11 से पे इतना, फिर आता 1 1 1. ऐसे करते हुए मुझे 8 स्टेप्स आगे तक बढ़ाना पड़ा, तो अगर 8 स्टेप्स आगे तक बढ़ाना पड़ा तो कितनी बार 1 होगा, 8 टाइम्स 1 से, तो मींस इसे डिवाइड करने पे मेरे पास क्या जाएगा, 8 7 टाइम्स 8 टाइम्स 1 आ जाएगा. ओके, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई. तो हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या जाएगा, इक्वल टू 8. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8.